Hello guys, welcome back to another amazing video. Guys, finally the most awaited trip series on the channel. अपनी सब टीम टकियार की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी ट्रिप सीरीज करने को और ऐसा हो ही नहीं सकता हम अपनी टीम टकियार की डिमांड पूरी ना करें, तो फाइनली आ चुकी है हमारी कश्मीर ट्रिप. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये एक नॉर्मल कश्मीर ट्रिप नहीं है. हमने उस नजरिए से लोकल्स के साथ, अपने बहुत सारे भाई हैं कश्मीर में, उन लोकल्स के साथ वहां पर ऐसा कश्मीर देखा है जो कि कोई भी टूरिस्ट वहां पर नहीं देख सकता. हम ऐसी ऐसी एक्सक्लूसिव जगहों पर गए हैं, हमने वहां पर इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग करी है, ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं. मतलब आई कांट इवन टेल यू, आप लोगों को ये सीरीज ही देखनी पड़ेगी एंड आई एम श्योर यू गाइज विल फॉल इन लव विद इट. इस ट्रिप पे अपने सारे खास भाई गए हैं, बहुत ही सारी खास मॉडिफाइड गाड़ियां गई हैं, अपनी गैंगस्टर एंडेवर गई है और भी सारी गाड़ियां, आपको आगे वीडियो में देख के समझ आएगा. तो चलिए ये ट्रिप सीरीज शुरू करते हैं. इसके पहले वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जहां पर आप गेम्स खेलकर एडिशनल अर्निंग कर सकते हो. यस गाइज, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस प्लेटफॉर्म का नाम है राजबेथ एंड यहाँ पर आप 5000 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हो एंड इन गेम्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक डेमो अकाउंट भी अवेलेबल है. ऑल्सो गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड में आपको मिलेगा एक स्पेशल बोनस. तो चलो टुडे आई शो यू हाउ यू कैन प्ले एविएटर. जैसे ही आप राजबेथ की वेबसाइट पर जाओगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये गेम दिख जाएगा एंड जैसे ही आप गेम पर क्लिक करोगे तो ये गेम लोड हो जाएगा. एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम्स है. गाइस सबसे पहले आपको इसमें अमाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम यूज करने वाले हैं 1000 रुपीज के अमाउंट को. देन हम राइट साइड ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको प्रिडिक्ट करना होगा कि एविएशन कब तक होगी. इसमें कैश आउट का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप अपने प्लेन के गायब होने से पहले कैश आउट करते हैं तो आपको उतने टाइम का मल्टीप्लाई रिवॉर्ड मिलता है. एज यू कैन सी गाइस, मैंने 1000 रुपए लगाए थे, मुझे 1519 रुपए मिले. एंड गाइस आप इसे इजिली कैश आउट भी कर सकते हैं. कैश विड्रॉल करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, बिटकॉइन एंड इथेरियम. मैं आपको विड्रॉ करके भी दिखाई देता हूं गाइस. इसमें हम अभी विड्रॉ करने वाले हैं 10,000 रुपीज. जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड हियर यू कैन सी 10,000 रुपीज हमने विड्रॉ कर लिए हैं. एंड गाइस अपनी टीम टकियार के लिए एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके राजबेथ पे अकाउंट बनाओगे तो आपको मिलेगा 200% का बोनस, यानी कि अगर आप 20 रुपए डालोगे तो आपको 60 रुपए मिलेंगे. तो गाइस यू कैन ऑल्सो प्ले एंड विन, क्लिक वंस, राजबेथ इज योर चांस. नाउ दैट दिस इज आउट ऑफ द वे, जल्दी से भाई अपना डिनर विनर लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं आज का मजेदार वीडियो. तो भाई हम लोग निकल चुके हैं अब फाइनली अपनी रोड ट्रिप पे. अब तो भाई बता दें अक्षय कहाँ जा रहे हैं, सरप्राइज खोल लेते हैं भाई. हम जा रहे हैं भाई हेवन ऑन अर्थ. हाँ हेवन ऑन अर्थ, जन्नत है ना अगर धरती पे, तो वही है कश्मीर. हम वहाँ जा रहे हैं भाई. देखो लेह लद्दाख वगैरह तो सारे मतलब कर ही रहे हैं अपनी टीम टकियार में. मैं कुछ डिफरेंट दिखाएं, कश्मीर की वादियाँ दिखाएं और अपने भाई वगैरह भी हैं वहाँ पर, काफी दोस्त आ रहे हैं, तो बहुत मजेदार ट्रिप होने वाला है. 3 गाड़ियाँ जा रही है, अभी आपको सारे भाइयों से मिलवाते हैं जो जा रहे हैं. yes. एक बार भाई गुरुद्वारा साहिब जी पे मत्था टेक लेते हैं. सतनाम श्री वाहिगुरु जी. और बढ़िया दर्शन भी हो गए, बढ़िया भजन चल रहे हैं, अपना रिलैक्स करते हम जा रहे हैं. और गाइज इतनी अमेजिंग ट्रिप होने वाली है ना सीरियसली. एक हमारी एंडेवर जा रही है, 2 थार जा रही है, हमारी रज्जो भाई की थार, हमारे मुक्कुल भाई की थार. yes. फुल फन होने वाला है, वहाँ हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी है हमने और फुल मस्ती मारनी है. और भाई एक चीज है कि हम तो दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं भाई थोड़े दिन, हम तो कश्मीर की खुली वादियों में सांस ले लेंगे बढ़िया. अगर आप लोग सामने देख रहे हो दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो गया है, तो भाई थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा घर में रहो. मेरे ख्याल से स्कूल की छुट्टियों की भी अनाउंस कर दिया ना कि कंसीडरिंग अबाउट इट, कंसीडर कर रहे हैं. हाँ, बट अभी और कर देनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, मतलब स्मॉग दिख रहा है, बहुत गंदा स्मॉग है, बहुत गंदा. अपना ध्यान रखो, बस हम तो यही कहेंगे. और पंजाब वाले हमारे सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है यार कि पराली जलाने के अलावा कोई अल्टरनेट सोल्यूशन प्लीज ढूंढिए. देखो सरकार मदद नहीं कर रही, इस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि पराली जलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, समझ रहे. अपने पल्ले से कोई थोड़ी इसको ट्रांसपोर्ट करे, कोई इधर उधर चाहता, कोई भी जलाना नहीं चाहता, कोई भी क्यों चाहेगा कि भाई हमारे पड़ोसी स्टेट में ही इतना धुआं हो जाए. पर मजबूरी है ये, हम भी समझते हैं, बट हमारा थोड़ा सा सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस. कश्मीर जा रहे, गोवा जा रहे भाई, यूज भी कर रहे हो. एक्सेस कैसे यूज होता है ये तो बता दे. अभी पेट्रोल पंप में बताऊंगा भाई. करा लो टैंक टूंक फुल भाई. क्यों नहीं करा रहा भाई, अपनी फुल रहती है भाई गाड़ी. भाई 2 महीने से गाड़ी खड़ी थी, बैटरी नहीं थी, लेकिन डीजल की डीजल घूमता भाई, वाघा बीच घूमेगा भाई. हम कश्मीर जा रहे हैं वादियों में, गोवा बीच पे जा रहे हैं. गोवा दूसरी थार भी आ चुकी है, उसको जाओ भाई. एक बात ये 22 इंच कहाँ लेके जा रहे हो तुम ऑफ रोडिंग के लिए, वहाँ ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे. मैं नहीं करूँगा, अरे हम कराएंगे इनको, देखना भाई. ऐसा लग रहा है कि अपनी थार जा रही है साथ ही. हाँ बिल्कुल, सामने से डिट्टो से है, तो ये भी अपनी भाई झूम तो आ रहा है. तूने क्या करा रात में भाई, रात से 5G नेटवर्क पकड़ रखा है बंदा. अच्छा सबको उठा के खुद सोया. हाँ ये तो है भाई. भाई मैं तो सीरियसली गाइस हैरान हूँ, इतने सुंदर ये 22 इंच के लॉय, ये तो बहुत अच्छा डीप डिश लॉय है, मेरे को बहुत पसंद आई डिजाइन इसका. और ये 22 इंच उधर क्या होगा इनका कश्मीर में ऑफ रोडिंग में, मैं तो सोच के हंसी आ रही है. अभी अपन बढ़िया चलेगा भाई, 20 इंच सिंपल, नो टेंशन, फुल ऑफ रोड स्पेक. भाई मैं बोल रहा हूँ क्या होगा इन 22 इंच चलाएगा, मेरे को तो अभी से सोच के तरस आ रहा है. टेंशन मतलब प्यार से. एक तो रजत को व्लॉग में लेना होता है, यूं करना पड़ता है कैमरा इतना ऊपर, मैं पीछे आ जाता हूँ भाई. आजा कश्मीर चलेगा. आजा, तू भी चलेगा? आजा, इनको डाल लो कश्मीर में साथ में। एंडेवर में बहुत जगह है, लोड कर ले। हाँ आ जाओ आ जाओ, मेरी एंडेवर में बहुत जगह है भाई। अगर मैं भी थार ले लेता ना, हमारा सामान ही नहीं आता भाई। सीरियसली बताता हूँ, एक बार ये देखो, बिना पासपोर्ट ये देखना, डिक्की खोलूंगा ये देखो, अगर थार ली होती ना ये कहाँ जाता सामान इतना, और ये पूरा इतना यहाँ तक और आगे तक भी पूरा फुल है। बैग और ला लो छोटा सा भाई, 500 फालतू लगेंगे भाई। ये मत बोलिए पहला भाई, कश्मीर तक नहीं मूर्थल तक के 500 हैं, ठीक है, हर स्टेट के 500 देते रहिए। पता लगा कश्मीर पहुंचने तक जितना बैग में सामान है उससे महंगा तो बैग पड़ गया। रख दो भाई, इसीलिए थार नहीं ली मैंने कि किल्लत हो जाती जगह की बहुत ज्यादा। सीख लो सब। ये देखिए ये मार्कर है, इसको सिर्फ चैनल 1 पे रखना है। ये आपका ऑन है पावर और ये वॉल्यूम है, ये बस ऐसे तुम्हें ऑन करके छोड़ देना है। जब भी बात करनी है इसको दबा के हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई बस इतना ही है अपना ऑन कर। इसका ऑन है 1 पे हेलो हेलो हेलो, जब उतर के कहीं तो ये पावर के लिए ऑफ कर दिया, ये वॉल्यूम है। अगर गाड़ी में वॉल्यूम तेज लग रही है हाँ, ऐसा टक सी आवाज आएगी, फिर पावर है, खुली खुली है। ये हो गया डन। आ जाओ चलो, आ जाओ चलो, मिशन कश्मीर। दोनों थारों में कितना डिफरेंस है देख रहे हो, और दोनों में 22 इंच है। पर मैं वही कह रहा हूँ, डीप डिश और नेगेटिव ऑफसेट से क्या लुक आ रही है। बिल्कुल नेगेटिव ऑफसेट वाली का क्या स्टांस आ रहा है, बुलडॉग वाला स्टांस आ रहा है थोड़ा, वो थोड़ी गैंगस्टर टाइप है। ये सोफिस्टिकेटेड लग रही है, एलिगेंट लग रही है, लग दोनों सुंदर नहीं है। अबे कोई चिप्स विप्स तो ले लो यार, यहाँ से उठा लो भाई। ये लो उल्ली गुल्ली वगैरह उठालो, अब मैं करूँ गाड़ी में। भाई कुछ कह रहा है क्या करो यार, रात की उतरी नहीं गया भाई, जाते नहीं से उठाया, एकदम से भुखला गया, हाथ से उठा दिया ऊपर, कह रहा अबे भाई तो जा, उठने दो दे, मुँह तो धोने दे, पानी तो पीने दे, क्या कर ले। 2 मिनट बैठा, चोपड़े चल रहे वहाँ, सारे निकल गए। मजाक करो, 6 बज गए। उत्सव 1 मिनट ये ले ले भाई, थोड़े पकड़ ले, दो हर गाड़ी के लिए रख लेता हूँ। बचपन की याद आ गई पिकनिक देख के। भाई वो कर दिया दिवाली पे, छोटे छोटे पैकेट नहीं बनाए थे सब वर्करों को देने के। अरे है भाई, आ रहा है यार, क्या करूँ इसका, मार भी नहीं सकता प्यार जो करता है मुझसे। लालची आदमी आ रहा है, सबसे पहले पंडित जी को ही भोग चलाते हैं भाई, तेरे को खिला के खाएंगे। तेरे दो मेरे हैं भाई। अरे इसमें डाल देना भाई, दियो इसे, 11 लिए हैं। अरे बहुत है यार, 2 और ले गए, घाटा हो गया। अच्छा एक ही बच गया। चलो भाई पैसे कितने हुए? 2155 हो गए। क्या 2155 के तो वो ले लिए चिप्स और पॉपकॉर्न। ये मरने वाला, मैं पिछले 5 किलोमीटर से देख रहा हूँ, नीचे कुछ फंसा के घूम रहा है। अरे तुम्हारे लेफ्ट में वरना के नीचे क्या फंसा हुआ है? कैसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे हैं, देख रहे हैं। आज ही सारा सीआईडी बनूंगा मैं। ऐसा लग रहा है हमारी तो घर की सारी गाड़ियां जा रही है भाई। स्कॉर्पियो है ना आगे साथ, थार अपनी चल रही है, रज्जो की एंडेवर सारी ब्लैक 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 भाई, सारी घर की गाड़ी। अभी भिड़ा देता है, इसको नहीं पता था हम पीछे हैं। पीछे ले आया, ये सुबह नींद में वैसे ही रहते हैं, छोड़ देते हैं क्लच खड़े खड़े। सामान वगैरह ले लिया अक्षय। अब भाई ये मुकुल वुकुल कितना भी बोले रुकना नहीं है, अब सीधा किचन के जलंधर रोकूंगा सीधा गाड़ी। अगर हमने रोकना इनको, मैं एक बार भाई इनकी ना बड़ी गंदी आदत है मुकुल की है, और मुकुल तेरी सबसे गंदी आदत है रुकते रुकते जाने की। अब सीधा जलंधर रुकूंगा भाई, पहले बता रहा हूँ, गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी। अब खींचम खींच, और चोपड़ा जी मुकुल को तो करने दो। जा भाई, ब्रेक पहले ही कम है हमारी। कह रहा है इट्स नॉट अ कार, इट्स अ थार। ब्रेक तो लगेगी नहीं, थार के इतने चौड़े टायर है, वो झोली नहीं खा पा रही ऐसे। सीधी सीधी चल रही, कंट्रोल भी अच्छा बना रही है। हाँ ऑब्वियसली भाई, ट्रैक चौड़ा हो गया और ज्यादा, हाईवे के लिए तो अच्छी चीज है, स्टेबिलिटी और इम्प्रूव कर देगी। तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, काफिले में देख मैंने कैसे काटी तेरे लिए साइड बनाई ना, ऐसे एक दूसरे के लिए साइड बनाते चलो। हमेशा ना कट मारो तो लंबा मारो, ताकि आपके पीछे वाली गाड़ी भी आ जाए। ऐसे नहीं हो। हाँ वैलिड टैग है भाई। भाई टोल पार हो गए, कहाँ रह गए? टोल पार हो गया, कहाँ खड़े हो भाई तुम लोग? टोल पार कर लिया भाई, हम तो पार करके निकल भी चुके। कहाँ है भाई? वही तो कह रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा है मेरी। गैंगस्टर एंडेवर हो गया टोल पार हमारा भाई, हमारा भी हो गया। कहाँ हो तुम? जनवरी में भाई, हमें वो रहे लेफ्ट में आगे, वो हमसे पीछे है। अच्छा ट्रक के पीछे हो गया तुम? अच्छा ये कंपटीशन चल रहा है, कौन टोल पार करेगा पहले। हमारे को सलूट मारा बेटा टोल वाले ने, सुन रहा बेटा, वीआईपी लेन से आए हम। कोई नहीं ऋषि, तू गलत फहमी में खुश हो ले, मैं चाहता हूँ मेरा भाई खुश रहे बस। अभी फ्रंट पे कौन है? 80-90 बहुत तेज हो रहा है, हम भी पूरे 100 कर दे। मॉन्स्टर चढ़ गई, मॉन्स्टर चढ़ गई भाई के भाई। भाई के चश्मे एक्सरे चश्मे बन गए, दूर तक देख रहा है। उत्सव कह रहा है हर पी के 100 रुपए है। अब देख ले भाई, तेरे पापा ने बोलना बेटा तेरी हर आवाज में टू क्यों लगा हुआ था, ऐसा क्या बोलता है भैया? मेरा मुँह से निकल गई, क्या बताऊँ पापा, जैसे मैं बोलता हूँ मेरी जबान फिसल जाती है दोस्तों के साथ। ऋषि के पापा स्टोरिया चेक कर रहे होंगे सुबह लौंडे कहाँ पहुँचे हैं। ओए रजत पत्थर मारते चल रहा है, ओए पत्थर आए दो गाड़ी में मारे। 80-90 वाला भाई एनर्जी जोन के भग रहा है। ओ भाई धीरे चलाओ, मजाक नहीं चल रहा है यार, धीरे चलाओ। मैंने कहा भाई मुझे नींद के झटके आ रहे हैं, क्या ये इंजन रोड पे कैसे आ गया? मैंने कहा ये रेलवे रोडवेज पे कैसे आ गई भाई, भाई कसम से। और ये मेरे को कह रहा तू नींद में पीछे सो जा, मैं कह रहा नहीं भाई मुझे इंजन दिख गया रोड पे। मैंने कहा भाई इसको कहाँ दिख गया, डब्बा से डब्बा डब्बा है, देख खांचा खांचा। भाई एक सेकंड के लिए तो समझ ही नहीं आया कि पटरी पे ट्रेन में जा रहा था या हाईवे पे गाड़ी में। अच्छा बना रखा भाई ये धनुष, बहुत अच्छे यार। मेरे सामने मतलब हमें ध्यान है ये बन रहा था, पूरा तैयार हो रहा था। जय हरियाणा, जय हरियाणा भाई, जय हरियाणा। छोरा में हरियाणा आड़ा भाई, वेलकम टू अम्बाला। यहाँ तो बहुत लोग रील बनाते हैं, बहुत लोग अपना शूट भी करते हैं यहाँ पे, गाड़ी लगा लगा के दूर का बनाते, सुंदर बना रखा है, बहुत अच्छा बना हुआ भाई। ओ भाई सो गया था, देखा तूने? ओ भाई सो गया था, ये चोट वाला नागिन बना रहा है गाड़ी, यूं एकदम इसने कर दी। मैं इसको सो गया था भाई, झपकी लगी है। ये सुबह 5 बजे निकलने वाले हैं हमारी तरफ से, पूछ लो मॉन्स्टर एनर्जी आपको इसको भेज दे भाई। ये नया बिजनेस, इसकी गाड़ी दिख रही है झपकी, अरे भाई ये ले 500 की मॉन्स्टर, 110 की लेगा 500 की, तू ये ले ले, गाड़ी का खर्चा महंगा है। कह रहा राजा हरि सिंह, कश्मीर के राजा हरि सिंह की गाड़ी तुम्हारे जाने से पहले पहुँचने वाली है। ओरिजिनल थी भाई, बनाई नहीं हुई थी, नहीं जेन्युइन है, अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। दोनों के मास्क में एक बार धूप नहीं चाहिए, चश्मे बना दिए भाइयों ने, मास्क की जगह चश्मे बना दिए। देखो तो मास्क और नाक दोनों काम कर रहा है, मल्टी टैलेंटेड है। आंख में मास्क लगाए हुए हैं। A few moments later ना वो देखो तो बाइक से ओवर हो गया, 850 लाओ इसको, GST है 850 GS 1250 यहाँ पे। भाई बिना खाए बिना रुके हम सबसे बढ़िया चल रहे हैं, वैसे पीछे वाली गाड़ी वाले ढीले हो रहे हैं। अब मुझे सुसु जाना है भाई, रुक जाओ भाई धीरे चलो। 1 घंटा गूगल मैप्स को कम करा है भाई, गूगल मैप कह रहा है मेरे से तेज तो ये चल रहे हैं। हमें दिखा रहा था कि 11:30 बजे आप कश्मीर पहुंच जाओगे, वहाँ आप दिखा रहा 10:30 ही पहुंच जाओगे। भाई अब फायदा हुआ ना, देख जो 1 घंटा हमने ये कर लिया, बचा लिया, अभी हम बैठ के खाएंगे। मतलब बेसिकली जो हमने 1 घंटा कवर करे टाइम वो हम खाने में दे देंगे अब। हाँ। और सेम टाइम पे हम पहुंच भी जाएंगे। हाँ। मेरे को तो लग रहा है जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि याद है हम रामपुर भी कितने जल्दी पहुँच गए थे, और अभी भी आगे तो टाइम और भी कम होगा। वैसे फोर्ड एंडेवर अपनी बेचारी फोर्ड भी गाड़ी खुश होगी, 2 महीने बाद रोड पे आई हूँ, भागो भाग तो रही है, खुश हो रही है, पर बुरा मान के लाइटें जगा के बैठ गई है, कह रही है मुझे कंपनी लेके जाओ। ये देखो भाई नीचे पाना बना हुआ है और ऊपर चेक इंजन की लाइट आ रही है, कह रही है भाई कंपनी लेके जाओ। पहले कोई नहीं, कश्मीर में देखेंगे भाई, अगर हमें कुछ जगह मिल गई डंकी तो हम इसको दिखा लेंगे एक बार। इसका क्या है, कितने भी एरर दिखाते गाड़ी चलती रहेगी, धोखा करके रोड पे आप साइड नहीं खड़े हो गए, ये चलती रहेगी। वो भाई ये रोड ही ऐसी है ना, बड़ी देर से ऐसी चल रहे हैं, कहीं एक साइड से सस्पेंशन बैठ गया। मैं फोन करके सचिन सस्पेंशन बैठ गया राइट से, भाई ड्राइवर साइड से झुका झुका चल रहा हूँ मैं थोड़ा। अरे कब से यूं ही चल रहे हैं। ओ भाई, ओबे भाई बच गया भाई, ये कर रहा था ऑफ रोडिंग, अपनी गाड़ी में गिरता। पावर ऑफ ट्रू लव। भाई ले जाऊंगे ऊपर से, आगे से पार भी लेंगे कहीं। अरे नहीं भाई वो रोड अलग चेंज है, मत कर भाई। सारी स्पीड टूट गई यार जाम आते ही। चल हम 100-110 ही रहे थे, ज्यादा तेज नहीं चल रहे थे, हम धीरे चल रहे थे, पर हमने पेस अच्छी बनाई थी। भाई टम्पू कैसे गया हुआ, मैं बोल ही रहा हूँ थार भी पीछे। ओ भाई ये रजत करीम कैसे चेंज हो गए? भाई पंजाब नंबर है, पंजाब वाले दिलदार बंदे हैं, हर गाड़ी में अलॉय टायर। टीबी नंबर थार उसमें अलॉय ना हो ऐसा हो सकता है? पंजाब नंबर जो गाड़ियां है ना उसकी डायरी अलग लगती है। पंजाब में तो भाई थार शोरूम से निकलते पहले अलॉय। अरे हम मूर्तल कई बार खाना खाने जाते देखे ना, टैक्सी वाले भी अलॉय के शौकीन है भाई, और गाड़ी हर पीली नंबर प्लेट वाली, हर टैक्सी में अलॉय, हर टैक्सी में अलॉय, और बढ़िया अलॉय, ये नहीं पतले पतले टाइप, बढ़िया बढ़िया अच्छे बंदे तो जाके। भाई पंजाब वालों की एक बात है, सैल्यूट करना पड़ता है अलॉय के मामले में पंजाब भाई, मतलब नेक्स्ट। गाड़ी को चमका के भी रखते और अच्छी बना के रखते। उन भाई आपा पहुंच गया जलंधर भाई, अब क्या करना है? मैं कह रहा हूँ कोई फायदा नहीं रुकने भुकने का, हवेली भी आएगी राइट साइड पे, सीधा चलो जम्मू, जम्मू खिलाऊंगा बढ़िया, माता की नगरी में बढ़िया। मैं मान गया स्वर्ग नगरी है जम्मू। हाँ। लेकिन भाई पंजाब का पानी भी अंदर तो शरीर में जान दे यार, ये तो है भाई, ये भी है पंजाब का खाना और पंजाब का पानी भाई, हवेली जलंधर बेस्ट, यही खाना है भाई। हमारा अश्विन तो है हैवी ड्राइवर, ये भाई तो चला लेंगे 20-21 घंटे नॉन स्टॉप। भाई फैक्ट्री हरिद्वार है, मैं तो एक ही दिन में अप डाउन करता हूँ, गाड़ी चलाते हरिद्वार गए, वहाँ पूरा दिन काम किया, रात में ड्राइवरी की आदत है फुल। पीछे मुकुल आ रहा ना, अगर सुबह ऋषिकेश जाएगा तो बोलेगा इस दिन रात स्टे करूंगा, तो अगले दिन आऊंगा वापस। मैं कह रहा हूँ मुकुल ले लो भाई, सीधा कश्मीर में खिलाऊंगा होटल में बढ़िया। भाई अगर अभी नहीं खाया ना भाई मेरे को तो भूख लगती नहीं पूरा पूरा दिन, अपने को तो आदत है ऐसी, हमारी हॉट वायरिंग ऐसी हो रखी है भाई। ये मॉन्स्टर एनर्जी के भरोसे चल रहा है। मैं 2 मॉन्स्टर पी चुका हूँ, तीसरी पीऊंगा तो सीधा कश्मीर है। बता दो पीऊँ ना पीऊँ। ओ भाई कह रहा मॉन्स्टर जो बालो गाड़ी में जितनी है, सुन जहाँ चौथी मिली फिर ले लद्दाख कश्मीर के बाद। भाई जहाँ खाना मिल रहा है चुपचाप खा ले, वरना थोड़ी देर पानी भर के शरीर में चुन्नी बांध के जाना पड़ेगा अपने। भाई मुँह में जुराब ठूस के ले जाऊंगा, बता रहा हूँ। पाकिस्तान बॉर्डर में खिलाएगा फौजी। अरे नहीं भाई यही खा लो यार कुछ खा। हाँ हाँ आजा, हवेली रुकेंगे, हवेली रुकेंगे। चल भाई तेरी बात पे फूल चढ़ा है, रुक जाओ हवेली। चलो खाओ, आओ खिलाता हूँ बढ़िया। हाँ भाई तुझे रजवाड़ी वाली चीज दिलाऊंगा आज, हवेली में खाना खिला के। तो भाई जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वाली छोटी वाली पे हमारी गाड़ी ने एवरेज दिया 7.9 हाईवे पे, जो कि बहुत ही कम है क्योंकि हम सही है इसको खींचते हुए लाए। एंड टायर्स वगैरह भी बड़े हैं, रीमैप्ड है, तो वो सारी चीजें भी है। 180 किलोमीटर दिखा रही है टू एम्प्टी। फुल टैंक पे हम लोग निकले थे, अभी तक हम चले हैं 319.5 किलोमीटर। तो मोटा मोटा जब मैंने रीसेट करा था तो काफी हम चल चुके थे, तो 350 किलोमीटर के आसपास चले और 4 घंटे 50 मिनट गाड़ी चली है लगातार। और अब रुके हैं हवेली। मैं कहा भाई हमारे बंटू भाई को, हमारे वो देख चोपड़ा बाहर ही नहीं आया जरा अटक गया नीद आ रहा है भाई। चोपड़ा और एक सूटकेस में कोई फर्क नहीं है इस टाइम पे, ये भी सूटकेस देख। चोपड़ा पहले तो सोच रहा पीछे का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, तब ध्यान आया धार में बैठा हूँ। हाँ भाई अब तक ना सोता ही आ रहा है बेहोश। हाँ पता है मेरे को, उतरा भी नहीं जा रहा इससे, डेड है। उठ जा भाई, कश्मीर पहुँचने तक सबसे फ्रेश यही होगा, हम सब डेड होंगे। KFC है फिर मैकडी है, मेरे को ये बताओ चिकन चाहिए मेरे को। छोटे से वो देखो तो कैसे खड़ा होते साइड में दिख रहा भाई। ये व्लॉग वगैरह होगा बाद में, पहले होगी पेट पूजा, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं खा रहा था सुबह से, अब खाएंगे बढ़िया। लेके जा रहा था बिना खाए, सीधा मटन खिला रहा था भाई। मैं अभी अभी भी ले जाऊंगा ऐसे ही उठ के, बता बोल दिया ना भाई, इसके मुंह में जुराब ठूस के ले जाऊंगा इसको, ज्यादा बोलेगा। बढ़िया खाओ भाई। क्या है भाई, कौन सा पराठा? आलू प्याज भाई खा रहा है। ये ले भाई तू सैंडविच भी खा, ये ले भाई, नाराज नहीं होना चाहिए भाई। वो दाल में डाल रहा था, क्या हो गया यहाँ से किडनैप हो गई दाल भाई। डोसे वाले हमारी दालों पे हाथ मार रहे हैं भाई। दाल मखनी मंगाई थी, ऊपर ऊपर मखनी तैर रही थी, मखनी गायब, दाल रह गई। चोपड़ा जी सब ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं समझ आया, आलू प्याज पराठा के साथ। तो ये क्या खा रहा है, वेज मंचूरियन और आलू प्याज पराठा, बहुत बढ़िया होता है। मजा बोले नहीं, तूने भी तो ग्रेवी डाल रखी है। अरे कॉम्बो बना रखा है, इसका है डोसा और वेज मंचूरियन, उसका पराठा और वेज मंचूरियन। हिंदी चीनी भाई 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 बॉयकॉट चाइना, हटा इसको, हटा सिर्फ पराठा का मटर के साथ, इसको दाल मखनी दो भाई, मंचूरियन मेरे को दे दे। A few moments later कपड़े गाड़ी चलाया अब भाई मर जाओगे भाई। बढ़िया चिक्के खा लिया, मजा आ गया भाई, तृप्ति हो गई। अगर अब तूने रुकने के लिए बोला ना, सबसे ज्यादा तुम्हारी गाड़ी भाई तंग करती है ये वाली थार। फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए बोलूंगा भाई। अब कश्मीर से पहले फ्रेश मिनर रोक के रखो भाई, हमारी जुराब तैयार है, बता रहा हूँ डाल दूंगा मुंह में। नहीं भाई अब सीधा नॉन स्टॉप लगाते हैं, जो भी मतलब 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुकना वो रुकेंगे। कबीर को फोन कर दूंगा, बोलूंगा भाई बढ़िया हमारा डिनर वगैरह करा दे, टाइम उसको बता देंगे तब तक। और अपना निकलते हैं बस एक भाई, तीनों थार और एंडेवर वगैरह लगा के यहाँ पर एक फोटो खिंचाते हैं बढ़िया, और उसके बाद चलते हैं इंस्टाग्राम के लिए भाई। बढ़िया सी एक आधी फोटो यहाँ पर लेते हैं ना इंस्टाग्राम से, याद है भाई सारे भाइयों को इंस्टाग्राम, पूरे वीडियो में आप देख रहे हो, मेरा भी देख रहे हो, फॉलो कर लो एंड शो सम लव टू अस। और वहां पर ये वाली पिक्चर देखोगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। ना 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 भाई चलो मिलते हैं डार्लिंग। ओके ओके। चलो भाई अब स्टॉप लिया है, पता नहीं कहाँ। डीजल अभी डलवाने लग रहे हैं क्योंकि दोबारा से टंकियां खाली होगी। अपनी एंडेवर तो 89 की रेंज दिखा रही है, मैंने कहा पहले डला लो। और रजत की गाड़ी दिखा रही है पता नहीं 110 120 की। पर भाई एक चीज बड़ी बढ़िया हुई, पेट्रोल पंप पे 3 भाई आए हमारे। मैं बता से इतना प्यार मिलता है ना पंजाब से, एंड बहुत ही अच्छा लगता है। पहली बार मेरे साथ हुआ हो कि भाई अपना कोई टीम टकियार का मेंबर, कोई सब्सक्राइबर मिला है और उसने मतलब मेरे से पूछा है कि पाजी कोई सेवा पानी। मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब उसका जेस्चर इतना प्यारा लगा कि भाई आप हमारे यहाँ आए हो, हमारे शहर आए हो, मतलब बहुत ही अच्छा लगा भाई, सीरियसली मजा आ गया। तू क्या भाई हेलो क्यों परेशान घूम रहा है, आजा इधर वापस आजा भाई। किसी की भी नींद मैं सच बता रहा हूँ पूरी नहीं हो रखी, इसलिए एनर्जी थोड़ी लो है। कल से एनर्जी जागी पूरी दोबारा, अभी एनर्जी काफी लो हो रखी है। और दोबारा मॉन्स्टर आ गई है भाई बाहर, तीसरी मॉन्स्टर। आखिरी ज्यादा पीनी भी नहीं चाहिए भाई ये ड्रिंक्स वगैरह। गोरी थार भाई, रजत देख के बंदा ही डर जाता है एक बार। वो पेट्रोल पंप वाला ऐसे देख रहे हैं भैया कितना, भैया आवाज नहीं आ रही ऊपर से, दिक्कत लग रही है भाई मुझे। चलो आगे से डरा लेते हैं, आगे से चल लो। चलो भाई यहाँ नहीं डल पा रहा। स्कूल के बच्चे खुश हो गए एकदम, ऐसे मुड़मुड़ के सारे वाले थे। स्कूल का बच्चे बेचारे जंगल लगा उसके अंदर से हाथ करके ऐसे उंगलियों से बाय कर रहा है, घूम गए सारे घूम गए। मैं कह रहा हूँ थोड़ा इसमें टूटी मिक्स डाल देना, बचपन में चेतक में डलवाते थे दादा जी के। वो नहीं लग रहा उसमें उड़ता पंजाब में, वो दिलजीत का छोटा भाई नहीं होता बल्ली, वही लग रहा है ना, वैसे ही लग रहा है, गुमसुम सा है भाई। वही वो सरदार क्या बोला एकदम, उसने ना ऐसे देख के बोला ओए अश्विन भैया, अच्छा मतलब लिप से मैंने कहा। अरे बहुत लोग रोड पे सब हर कोई पहचान रहे, यूं यूं ऐसे कर रहे, फोटो खिंचा रहे। भाई सच बता रहा हूँ, टीम टकियार की जो भी बात कहो भाई रिस्पेक्ट है भाई। अगले बंदे जहाँ भी मिलते हैं ना हमें खुद रिस्पेक्ट करते हैं, खुश हो जाते हैं हम भी, मतलब कई मेरे को अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है मिलके बातें करके। जितना टाइम भी मिल पाता है भाइयों के साथ, मोस्टली यूट्यूबर के साथ क्या होता है कि ऑडियंस सिर्फ यूट्यूबर को जानती है, यूट्यूबर ऑडियंस को नहीं जानता। तो मेरी ये सोच है कि मेरे को जितना चांस मिले ना अपने ऑडियंस को भी जानने का उतना करें। और अभी भाई बहुत जल्दी मीटअप भी करने लगे, 5 लाख पूरे कराओगे। पर तब चीज हो रहा है मतलब कोई भी आके मिलता है ऐसा नहीं लगता कि कोई है वैसे, ऐसा लगता है कि हाँ भाई सब कुछ जानते हैं। अरे कई बार से थार पे हूँ भैया, गैंगस्टर एंडेवर नहीं लाई। आप लोग लिटरली जब भी हम लोगों से मिलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल ऐसे मिलते हो कनेक्टेड फील होता है। भाई अभी क्या हुआ, हम लोग ना हवेली से निकले पार्किंग में, तो काफी सारे भाई वगैरह आए, फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। तो ना जो वहाँ वो थे अपना पार्किंग वगैरह वाले, वो आके अक्षय से पूछते, कह रहे भाई कौन है, ऐसे करे कौन है, कह रहा भाई विद्युत जामवाल के ट्रेनर है, बॉम्बे से है, अमृतसर जा रहे शूटिंग के लिए, कह रहे हैं। चलो भाई पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है, चढ़ाई शुरू। ये कौन सा रॉकेट है ऊपर आसमान में, देख भाई डिक्की डिक्की छोड़, अंदर है नहीं, वो देखो ढांचा ढांचा है, कुछ है ही नहीं अंदर, सीटें फीटें कुछ भी नहीं है। भाई जी एक बार स्कैनर लाके फटाफट देख दो ना क्या एयरपोर्ट। भाई देख लो कौन कहता है फोर्ड इंडिया से चला गया, पठानकोट में हमें इतना बढ़िया सर्विस सेंटर मिल गया है। भाई एक मिनट स्कैन करके देखना क्या कोड आ रहा है, भाई ने कहा 1 सेकंड में गाड़ी लगाओ। ये लो देख लो भाई, फुल आफ्टर सेल सर्विस है फोर्ड की, एग्जिट के बाद भी हर जगह सर्विस सेंटर है, हर जगह। क्यों अक्षय, और पठानकोट में भी सर्विस सेंटर है। और मैंने भी सोचा भाई एक मिनट मेरे को दिखी गया कुदरती, मैंने कहा अंदर आके भाई टेंशन फ्री हो जाएंगे, 1 सेकंड में देख लो क्या कोड है। भाई बैठे थे एकदम बुलाओ लगाए, इससे बढ़िया बात क्या है। पेट्रोल शो करना, हाँ हाइड्रोलिक जितना चाहो खा लो, जितना ना एक पे सेट है, जैसे वो अपना नॉर्मल होता है ना एडजस्टेबल। तो जब आपने इंटर किया हमें देख लो भाई सर्विस सेंटर पे भी बोल रहे, कह रहे आपने इंटर किया हमें पता ही नहीं चला कौन सी गाड़ी है। सही बात है भाई, नीचे देख रहा फिटमेंट, अच्छा सस्पेंशन भाई इसमें बहुत इंजीनियरिंग मारी हुई है भाई, तो पता लगी ट्रेनिंग में तो लाल लाल नहीं था। अरे 45 दिन के क्रैश कोर्स में फोर्ड में ऐसा तो कुछ सिखाया नहीं जो ये करवा के लाए। A few moments later. तो अब हुआ क्या यहाँ पर भाई, पठानकोट वाले फोर्ड पे हमने सोचा 5 मिनट चेक करा लेते हैं, बट इनका जो स्कैनर था वो हमारे कोड्स वगैरह डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब कुछ दिखाई नहीं रहा गाड़ी में। गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था बट एरर कोड्स नहीं दिखा रहा था। और भाई वो भाई इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था, उसने कहा सर आप 1 घंटे में यहाँ से जम्मू पहुंच जाओगे, मैं जम्मू वाले फोर्ड पे फोन करता हूँ, ये संजीव जी है वहाँ पर, बात करके आप अपनी 5 मिनट में फ्री कर दें, आपको स्कैन करके आपको बता देंगे ये सर कोड है, ये है, आप चलाओ ना चलाओ क्या आपकी मर्जी है। हमने कहा भाई आप फोन मिलाओ जल्दी, भाई ने नंबर दिया, फोन मिला, संजीव जी कह रहे हैं फटाफट आ जाओ, स्कैन करके आपको फारिग कर देंगे वहाँ। तो भाई अक्षय भाई 5 मिनट का स्टॉप और लेंगे जम्मू पे, ठीक है भाई? हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, गाड़ी पहले सही चले, अभी 5 दिन गाड़ी के साथ, गाड़ी तो सही चल रही है, बस लाइट आ रही है, गाड़ी में चलने तो कोई कमी नहीं, कोड है, लाइटें लूटे दिखा दे पर चलती रहेगी। क्या नाम है? अश्विन, देखा लग रहा है। अच्छा भाई वैसे एक बात है, तूने इमेजिन किया था जम्मू में भी हमें पुलिस वाले भी पहचान जाएंगे? आपको कहीं देखा हुआ? लिटरली बोला आपको कोई देखा हुआ? मैंने कहा बॉलीवुड में देखा होगा। भाई जम्मू घुसते क्या हो रहा है, पुलिस वाले पहचान रहे, टोल फ्री हो जा रहे, भाई फैन बॉलिंग है, साडी गड्डी गुडविल नाल चलती है, दोनों थारों से टोल ले लिया, एंडेवर कह रहे फ्री है। 2 hours later. भाई वो देख ट्रक पे पीछे लेजेंड साडा सिद्धू वीरा के ट्रक पे भाई फोटो लगाई हुई है सिद्धू की, भाई फैन फॉलोइंग है। इंडिया छोड़ भाई बाहर अब्रॉड हर जगह भाई, नो डाउट। मैं कह रहा हूँ मतलब ये बंदा हमारे इंडिया का इतना नाम आगे कर देता ना, इतना अच्छा स्टार, इतना अच्छा म्यूजिक, इसके अलावा मेरे को है कि भाई कितना टैलेंट चला गया यार 2 साल में, मतलब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को कहाँ लेके जाता वो, बहुत अच्छा, बहुत हाइट से आगे। भाई मैं बैठ गया पीछे, लगातार भाई मीटर दिखा दे कितनी चलाइए नॉन स्टॉप बिना सोए, भाई पूरी चलाइए, ओके दबाओ राइट पे 528, 328 बोलना था, सच वाले दिखा 528 भाई, ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर चला दिया, 550 किलोमीटर क्योंकि जीरो लेट किया था, नॉन स्टॉप भाई 550 किलोमीटर चला के बिना सोए आज बस हुई है कि बस अब नहीं, अब पीछे बैठा हूँ आराम से, सामने हमारा ज्ञानचो भाई बैठा है, और अब रेस्ट करूंगा पीछे थोड़ा आराम से, 2 घंटे लेटूंगा सोऊंगा, और उसके बाद फिर गाड़ी दोबारा पकड़ लूंगा, क्योंकि भाई अपने को पहाड़ों में भरोसा सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे, और अपने बाद सिर्फ बंटू भाई की ड्राइविंग पे थोड़ा भरोसा है, इसीलिए इसको हाथ में दिया। 1 hour later. स्विफ्ट वाला बड़ी तेज था, बूम कर दी उसी। ओबे भाई सही है। क्या कह रहा था, कह रहा पागल तो नहीं, जो पागल है क्या, डिपर दे गया काम का साइड से ले लेगा, ऐसे घुसी जा रहा था अंदर। भाई ये जम्मू आया था ना, कह रहा प्रसाद लेके जाऊंगा, इसलिए जगह दे ही दी थी, मगर तू ही जा भाई, पहले तू हरा हो ले। कितना लग क्यों खड़ा हो गया 4 घंटे लगे भाई। पहले रास्ता मिल गया ना, ऐसा जाम में जान आ गई ना, ऐसा लग रहा है किसी ने अमृत दे दिया हो। ये सड़े जेलसी तो हो रही होगी इनको। पर ठीक है यार, हम भी वही थे अभी तक ऐसा बोल रहे हैं। नहीं यार अच्छी बात नहीं है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। बहुत कोस रहा था भाई, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वापस आके वहीं खड़े हैं थोड़ा सा रॉन्ग चल के। भगवान ने ना खुशी दे के थप्पड़ मारी, खुशी दी है दोबारा। कोई नहीं, मैं इसलिए कह रहा था नहीं बोलते। ऐसा फील हो रहा है कि मुंह से निवाला ना छीन लिया उन्होंने। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है भाई ठीक है, चलता है। भाई मैं तो थोड़ी देर सोया था। अक्षय कितने किलोमीटर लंबा जाम हो गया यार, ये सिर्फ ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं, ट्रक ही ट्रक। ये फंसे हुए लाई। रुके। हेलो राजमा चावल आ जाओ। सारी एम्बुलेंस भी फंसी हुई यार, शिट। भाई देखो सीरियसली यार, ट्रक ही ट्रक। और ये एक ट्रक की एवरेज बस 3-3.5 की होती है। मतलब लाखों रुपए का डीजल इधर बर्बाद हो रहा है इस वक्त, लाखों रुपए का। यहाँ चले हैं देखो थोड़ा, और फिर आगे ट्रक। कितने किलोमीटर होगा अक्षय जाम? भाई ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर का लंबा जाम है, ऑलमोस्ट। इससे ज्यादा जरूर होगा, कम नहीं। ये ट्रक, अरे भाई हेलो। हाँ भाई कुछ तो वो भी रोकेगा। और फिर जाम में आ गए हम। नहीं टनल तक ही जाम है, टनल से तो खुला हुआ है। हेलो भाई नींद तो ना आ रही? भाई मैं बताऊं इतनी टेढ़ी करके निकाली। भाई तेरी गाड़ी ऐसे गई है, ऐसे अक्षर में डर के अंदर की पलट जाएगी। बोर्ड लगाया और फिर निकाली और देखी जाएगी। इसकी गाड़ी ऐसे निकली, ऐसे लिटरी हमें डर लग गया कि हमें लगा पलट ना जाए। एडवेंचर हो रहा है फुल, पहले ही कश्मीर पहुंचे भी नहीं अभी। तो भाई ये टनल आ गई है 9 किलोमीटर लंबी वाली। यस। 3 hours later। भैया बता रहे कि 13-14 साल में आज तक इतना जाम नहीं लगा कभी। जाम 10 मिनट इतना ही होता है। हाँ। जाम नहीं है ये मार्केट तक भी नहीं होता, ब्रिज तक होता है। ये चक्का जाम है। ये गाड़ी है ना, सवेरे 1 बजे से पहले नहीं जाएंगे सवेरे जो आगे। अच्छा मेरे ख्याल से 3 बजे तक। अच्छा बड़ा जाम। अरे बाप रे। तो अब इधर लगाए, फायदा करें क्या करें बताओ। आप किसी जगह लगा, सो जाए। आधे ड्राइवर सो है, मैंने अभी देखा अंदर वो यूट्यूब पर व्लॉग देख रहे हैं। मुझे भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो नहीं होएगा अपना सीधा वहाँ? नहीं, पहले रात में चिकन करी, बिरयानी, फिश करी, अफगानी चिकन, तंदूरी, कौरमे, पाए सब रखे हैं वहाँ। तो कह रहे टाइम से आए और पाए वही नहीं पा रहे हैं। भाई अब ये देखो एम्बुलेंस की मजबूरी है, अब निकलने का कोई तरीका ही नहीं है। इस एम्बुलेंस के साथ कम से कम अभी हमें 15 मिनट हो गए साइड में खड़े हुए। सायरन बजे जा रहा है। मेरे को तो लग रहा है भाई पेशेंट की और तबियत खराब हो जाएगी सायरन सुन के। पर क्या कर सकते हैं भाई, जब लोकल्स ही कह रहे हो कि भाई 13-14 साल में हमने इतना गंदा जाम कभी नहीं देखा। ये चक्का जाम है, जाम नहीं। सब जो लोकल्स हैं जितने विषय भी हम बात हुई ना, सब हैरान परेशान कि आज ऐसा हो क्या गया है, समझ ही नहीं आ रहा। पर भाई आई जस्ट होप कि जो भी इसमें पेशेंट हो सेफ हो भाई, मतलब ऐसा कुछ हो ना। बट भाई सोच हम आए कहाँ से, कितना जाम था। तो अभी तो इनका कोई उम्मीद ही नहीं है, अभी हॉस्पिटल वगैरह पहुँचे। हमने इन 3.5 या 4 घंटे में हार्डली 10 किलोमीटर ट्रेवल करा। ये सुबह तक हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकती एम्बुलेंस। भाई मैं कहूँगा बचाव हो जाए बस, और हम सुबह तक तो यही है। लोकल्स लिटरली ये बोल रहे हैं भैया गाड़ी अपनी बंद करो और आराम से सो जाओ, अब सुबह ही निकलोगे यहाँ से। भाई लौंडे हमारे देख रहे हो भाई, जीदार बीच में लेन बनवा रहे हैं हाईवे में, बीच में एक और हाईवे ओनली फॉर इनोवा एंडेवर। लगे पड़े कि अपनी चारों गाड़ियाँ निकल जाए, अपनी तीनों चारों। नहीं इनोवा वाले भाई हमारे साथ बड़े अच्छे पेश आए हैं, तो हमने इनको भी निकलवाने का प्रण कर लिया। आगे नहीं, और हमारी मजबूरी भी, क्योंकि हमारे आगे तो वो ही फंसे हुए हैं। जब तक वो नहीं निकले हम कैसे। ये सीक्रेट कोड बता, ढोल कौन बजा रहा है भाई? लोहे का पुल खुद ही बजा रहा है, अश्विन सिंह तकियार है भाई। सीन क्या है, ये थोड़ी देर की खुशी है। ये देखो अभी मैप्स में ब्लू तो दिखा रहा है ये, पर आगे देखो ये खत्म ब्लू, ये सारा लाल। ये देखो ऑरेंज लाल, ये देखो ये सारा हुआ क्या। ट्रक वाले ना साइड में लगा के सो गए हैं, कोई इस साइड लगा के सो गया, कोई उस साइड लगा के सो गए। ये देखो ये पूरा आगे श्रीनगर तक। और ये देखो ये तो बिल्कुल ही चक्का जाम हो गया दोबारा, तो मुश्किल ही है भाई। 12 बज चुके रात के, तो हमें लग रहा है अब सुबह हम मतलब 4-5 ही बजेंगे। और लेट हो गए तो भाई आपको फिर सनराइज भी दिखा देंगे कश्मीर की कैसी होती है। ढोल बाजे आहा ढोल बाजे नगाड़ो संग 2 hours later. अभी लौंडो कैसा रहा एक्सपीरियंस फिर ट्रैफिक हटवाने का? भाई सीरियसली बता रहा हूँ, ये तीन लड़के नहीं होते ना अगर, तो आज हम वहाँ से निकल ही नहीं पाते। हम क्या कोई भी नहीं निकल पाते, क्योंकि हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी और सब बंद करके उतर के बैठ गए थे, अंदर बैठ गए थे, सबने उम्मीद छोड़ दी। ट्रक वाले तो भाई बहुत जगह सोए। और भाई अब जाना ही, अभी बेनीहाल पहुँच गए भाई, पीछे आप देख सकते हो बेनीहाल रेलवे स्टेशन है हमारे। अब यहाँ से मेरे ख्याल श्रीनगर 2 घंटे ऑलमोस्ट 2 घंटे भाई, पर आज बस हो गई। क्या टाइम हो रहा है उत्सव? पौने दो 4 बजे पहुँचे भाई, सुबह दिल्ली से 6 बजे निकले। हमने नया छोटू रखा गाड़ी साफ करने के लिए, जो छोटा नहीं है। पर भैया कौन से कलर की गाड़ी है ये ब्राउन है। ये सिर्फ नेगेटिव ऑफसेट के साइड इफेक्ट्स हैं। ये देखो सेम रूट से ये थार आई है, जिसमें नेगेटिव ऑफसेट नहीं है, ये साफ है इतनी। भाई अगर सुंदरता है तो फिर उसके कॉन्स भी हैं। मतलब सुपर मॉडल पटाओगे तो उसके खर्चे भी तो होंगे। ऋषि कह रहे मेरा क्या है, मेरे से तो कोई भी नहीं पटनी। इधर हो जाओ भाई, खर्च मत हो जाइयो, देख रही है ना टोकन की तरह, खर्च मत हो जाइयो। अपनी एंडेवर भी भाई बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। तो भाई आ गया टनल, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी मशीन कौन सी फैक्ट्री इसी में आ गए। भाई सही बता रहा हूँ, ये मैं ट्रिप ये भूलूंगा ही नहीं कभी। ऐसा लग रहा था कि भाई सोना ही पड़ेगा गाड़ी में बस। अब देखना आगे भाई, दोनों ट्रक वाले रेस लगा रखी है दोनों ने। हाँ ट्रैक रहे, वही देख रहे इसने ओवरटेक मार नहीं दिया बड़ी देर उसको। भाई हमें जाने दियो प्लीज। अक्षय तूने एक चीज नोटिस करी क्या? भाई क्या देख रहे हैं? आगे देख भाई, आगे तो देख के चला रहा हूँ गाड़ी। अबे आगे मीटर पे देख, वो देख, अबे चेक इंजन की लाइट चलेगी, पाने वाली लाइट चलेगी। गाड़ी खुद ही ठीक हो गई, पता मालिक ढीठ है, कहीं ना ठीक कराएगा। खुद ही ठीक हो जाती है, सेट हो जाती है। साइंस आ रहा था वो सेटिंग का, चाबी आ रही थी वो चली गई, अब हाँ। चेक इंजन की लाइट भी चली। गाड़ी कह रही है भाई ऐसे जिद्दी है, मैं इनको दिखा रही हूँ कि मेरे एरर है, मेरे में कोई कमी है। साले मुझे और गड्ढों में डाल के जाम में पेल के एसी चला के चला रहे हैं। जिद्दी मालिक है, जिद्दी मालिक। ये नाराज हुई पहले कि भाई 2 महीने खड़े रखा, चलाया नहीं मेरे को, चलाते ही 3 लंबे टूर पे ले गए, ठीक है। तो इसने नखरे दिखाए, तभी से देखा कि कोई भाव नहीं दे रहा भाई, ये नहीं करेंगे ठीक। मालिक बड़ा जिद्दी है, खुद ही सही हो जाओ, नहीं तो पता नहीं और पेल के चलाएगा। चलो भाई एक टेंशन तो खत्म हो गई, अपनी गाड़ी खुद ही ठीक हो गई। मैं बता रहा हूँ तेरे को भाई, फोर्ड का कोई मुकाबला। काजा में भी इसने लाइटें आई, खुद ही चली गई, जस्ट Ford things. 1 hour later. भाई फाइनली पहुंच गए हैं द ग्रैंड केसर, अपने कबीर भाई का होटल है। और हालत तो देख लो सबकी, सब हैरान थे, ढीठ थे, पहुंच ही गए। जितनी आंखों के नीचे काले काले धब्बे हो गए। हाँ भाई कितने हो गए इसके तो। आज गैंगस्टर एंडेवर चलाई है ना, तो आगे बट भाई रियली नाइस प्रॉपर्टी यार, लविंग इट। मतलब आप एक बार देखो, वेरी सूदिंग एम्बियंस। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी यार। भाई के होटल का नाम लिखा हुआ है, दिस इज रियली ब्यूटीफुल सीरियसली। और इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि भाई एक कारगाई का होटल है, ऐसे यू कैन सी मैगजीन्स। सही है होटल, पसंद आ गया भाई? ब्यूटीफुल। अरे थम्स अप है कबीर भाई को पूरा पूरा। चलो भाई आओ, एक चीज कबीर ने भाई बहुत बढ़िया करवा दी हमारे लिए कि हम जैम में 5-5.5 घंटे फंसे रहे, तो भाई ने खाना वगैरह बनवा के रख दिया था। एंड स्टाफ को बोल दिया कि जैसे ही हम लोग आए तो हमारे को एकदम मतलब गर्म करके दे दें खाना, बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से खाने में करते हैं अटैक और सोएंगे। आज एनर्जी बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा लो गई है, बट कल से फुल मस्ती शुरू है। एंड श्रीनगर की एक्सप्लोरिंग शुरू है, बहुत कुछ प्लान है। और एक ऐसी जगह आपको लेके चलूंगा टीम टकियार, जहाँ पर मतलब सीरियसली टूरिस्ट जा ही नहीं सकते। हमने वहाँ के लिए स्पेशल परमिशन लिए हैं, ऑब्वियसली कबीर ने ही लेके दिए, तो उसके लिए हम सुपर एक्साइटेड। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं टीम टकियार को बता रहा हूँ कि एक जगह ऐसी लेके जानी है जहाँ मतलब रेगुलर टूरिस्ट जाता ही नहीं है भाई। पता ही नहीं लोगों को, अभी नहीं बताया भाई। नो पहली बात तो रेगुलर टूरिस्ट जाता नहीं, पहली बात रेगुलर टूरिस्ट जा ही नहीं सकता वहाँ। अरे यहाँ का आम बंदा नहीं जा सकता। परमिशन वगैरह सब लिए भाई, वो ऐसी जगह है बंटू भाई, रिश्तेदार बन के जाना पड़ता है। हाथ मुँह धो लो और खाने के लिए रेडी हो लो बस जल्दी, फिर सोएंगे बढ़िया। भाई हमारा डिनर / ब्रेकफास्ट हो चुका है सुबह के 4 बजे। और हैट्स ऑफ भाई सारी कैसर की टीम को। कश्मीर में क्या, हमें दिल्ली में इस टाइम पर ऐसी सर्विस एक्सपेक्टेड नहीं थी। एंड स्पेशल थैंक्स टू भाई, आई डिडंट कैच योर नेम, आपका नाम? आकिफ भाई को थैंक यू भाई, क्या अमेजिंग खाना खिलाया उन्होंने, वेज नॉन वेज दोनों बढ़िया, बहुत स्वाद। और इतनी भूख और स्वाद में भाई व्लॉग करना ही भूल गए, सीधा खाने पे टूट पड़े। ठीक है भाई, सब करे भाई। एंड सबसे ज्यादा बैटरी भाई हम दोनों की डाउन है, क्योंकि हम तो व्लॉग भी करते आ रहे हैं। चलो भाई इस वीडियो करते हुए यही एंड, और कल आपको घुमाने लेके चलते हैं कश्मीर।